आज की वीडियो में हम मशीन से कलर किस तरीके से बनाया जाता है वो देखेंगे। मशीन से कलर बनाने के लिए हमारे पास ये कलर कोड है, कस्टमर को ये कलर कोड चाहिए 3005T। ये हमारा हल्का मीडियम ग्रे शेड में है और कस्टमर को ये इम्प्रेशन HD में चाहिए। ये हमारा इम्प्रेशन HD, इसका कलर कोड आपको स्टिकर से लगा कर कलर कोड लिख करके 3005 लिख करके आपको डब्बे पे चिपका देना चाहिए। अभी इस वक्त मेरे पास स्टिकर ख़त्म है, तो इसलिए हम इसको पहले ही इस पे डिब्बे पे मार्कर से लिख देते हैं, ताकि अगर कलर कम पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो एग्जैक्ट कलर कोड से हम दोबारा वही कलर बना करके कस्टमर को दे सकें, जिससे कलर मिसमैच होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। ये हमने डिब्बे पर लिख दिया है, वैसे स्टिकर आता है, स्टिकर इस पर इस वक्त मेरे पास ख़त्म है, तो इसलिए मैंने इसको मार्कर से लिख दिया है। ये हमारा हो गया। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने मोबाइल ऐप की। ये हमारा स्पेक्ट्रम का, हमारी मेरी निर्मला की मशीन है, तो उसमें स्पेक्ट्रम का ऐप चलता है। ये हमारा स्पेक्ट्रम ऐप, इसको ओपन करने से पहले हमें अपनी मशीन ऑन कर लेनी है। ये हमारी मशीन का हम पहले UPS ऑन करेंगे। UPS ऑन होने के बाद ये हमारी मशीन ऑलरेडी ऑन थी। यहाँ से हमने मशीन कर दिया है ऑन। मशीन ऑन करने के बाद हमें अपने मोबाइल में, जिसमें हमारा ऐप है, उसका वाईफाई ऑन कर देना है, क्योंकि हमारी मशीन वाईफाई कनेक्टेड है। अभी देखिए, इसमें आपको सर्च करके वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ऐप मशीन से कनेक्ट हो चुका है लगभग। अब हम चलते हैं सीधे स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, उस ऐप का नाम है स्पेक्ट्रम, जिससे मशीन हमारी कलर टिंट करती है। उस ऐप पे हम सीधे आते हैं। हमारा वाईफाई से कनेक्शन हो चुका है मशीन का। अब मशीन से कनेक्शन होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेती है होम पोजिशन को सेट करने के लिए। अभी हमें ये एक दो बार भी ये और करना पड़ेगा। देखिए, हम मूविंग टू होम पोजिशन, मशीन हमारी अब कनेक्टेड हो चुकी है। मशीन अब रेडी है। अब हमें यहाँ पे शेड सर्च में जाना है। यहाँ से हमारे शेड सर्च में, और शेड सर्च में आने के बाद, शेड कोड में आने के बाद इंटर शेड कोड। अब यहाँ पे हम वो शेड कोड डाल देंगे। हमारा ये शेड कोड है 3005। अब हम इसको इसी में डाल देंगे 3005 सर्च कर लेते हैं। अब ये सारे बेस, जिसमें भी जितने भी बेस आते हैं निरोलैक के, जितने भी प्रोडक्ट में ये कलर आता होगा, ये सारे के लिस्ट ये बना करके हमें दे देंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही बात करी थी कि हमें ये चीज़ इंप्रेशन में चाहिए, कस्टमर को ये चीज़ इंप्रेशन में चाहिए, तो हम इंप्रेशन सर्च करेंगे। इंप्रेशन का जो भी ये बेस बताएगा, उस बेस में जा करके ये हमारा आ गया है, 2 नंबर का बेस में लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेस भी बताएगा, शेड का नंबर भी बताएगा, कलर का जो शेड का नाम है 9 टकेट वो बता रहा है, प्लस शेड कोड, ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ भी एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद करें। हमें ये बनाना है 1 लीटर के डिब्बे में, इंप्रेशन के 1 लीटर के डिब्बे में। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कैन एक ही बाल्टी में बनाना है, तो नंबर ऑफ कैन 1 है, कैन साइज़ हमारा 1 लीटर है, 1 लीटर का ये हमारा है डिब्बा, तो हम 1 लीटर यहाँ पर सेट करेंगे। इसमें देखिए बता देता है कि कितने कौन कौन से कलर मिलेंगे। इसमें ब्लैक मिलेगा 1 लीटर में 11.03 ml, उसके बाद फास्ट ग्रीन मिलेगा 0.12 ml। अब हमें इसको डिस्पेंस पे हम क्लिक करेंगे तो मशीन हमारी कलर गिराना शुरू कर देगी। इससे पहले हम डिब्बा खोल लेते हैं। ये हमारा डिब्बा खुल चुका है। अब हम इसको ले जाएंगे सीधे मशीन के नीचे और फिर हम कलर गिरा के आपको दिखाते हैं कलर किस तरीके से गिरता है। ये हम अब आगे हैं मशीन के पास में। ये देखिए, एक लेंस यहाँ पर दिख रहा है, ये लेंस है सेंसर कैच करने के लिए। अगर कोई बास्केट लगी होगी, कोई बाल्टी लगी होगी, तभी ये कलर डिस्पेंस करेगा। अगर आपसे गलती से भी टच होकर के डिस्पेंस पे अगर टच हो जाता है गलती से, बिना यहाँ बाल्टी हुए पेंट नहीं गिराएगा। ये अपडेटेड वर्जन है, तो ये किसका फ़ायदा रहता है, कभी कभी जल्दीबाजी में टच हो जाता है बिना बाल्टी लगाए, तो हमारा कलरेंट जो है वेस्ट नहीं होता। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन। ये हमारा ऐप है, अब देखिए यहाँ पे डिस्पेंस का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको हम डिस्पेंस पर टच करेंगे। यहाँ पर एग्रीगेटर होता है, जिसके कलरेंट जो फेंकता है वो मिक्स करता है, उसको हम ऑन कर लेते हैं। एग्रीगेटर हमारा ऑन हो चुका है। अब हम स्टार्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा कलर गिराना शुरू कर देगा। जैसे हमने स्टार्ट करा, ये देखिए हमारी लग चुकी है, और हमारा कलर इसमें से डिस्पेंस होना शुरू हो जाएगा। ये मशीन घूमेगी, ये जो भी कैन में जो कलर होगा, फास्ट ग्रीन जिसमें होगा उसमें फास्ट ग्रीन गिराएगा, और ब्लैक जिसमें होगा ये ब्लैक गिराएगा। हमारा बहुत थोड़ा सा ब्लैक गिरा है, फास्ट ग्रीन था, सॉरी, ब्लैक 10 सेकेंड के आसपास ब्लैक है। और ये ऐप से खुद ही बताएगा कि हो चुका है। वेटिंग फॉर कैरिंग वो ओके कर दीजिएगा। ऑल कैन हैज बीन डिस्पेंस, मतलब सारे कलर निकल चुके हैं, बाल्टी पेंट का डिब्बा हटा सकते हैं। हमारा कलर इसमें अब गिर चुका है कलरेंट। अब हम डिब्बे को बंद करके मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद देखते हैं हमारा शेड कैसा आ जाए। ये देखिए हमारा कलर अब आ चुका है मिक्स होने के बाद। कैमरे में उतना ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए
थोड़ा सा हम लाइट क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कैमरे में थोड़ा फ़र्क दिखा रहा है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट वही कलर बन करके रेडी हो गया। तो इस तरीके से मशीन के ज़रिए कलर बनता है। इसमें बेस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लाइट शेड में तो आप बना सकते हैं, लेकिन डार्क शेड में बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।